जय श्री राम भाइयों, जिन भाइयों ने जिस भी मजदूर वर्ग या लेबर वर्ग जो भी बंदे करते हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं बाइक में जोड़कर, रिक्शे को जिसमें जोड़ा हुआ बाइक में, वो भाइयों बाइक में से अपना रिक्शा डालें, क्योंकि कल ही 1200 रुपये का चालान हुआ है। एक राम बाबू के नाम से है एक बंदा, नवादा चौराहे उस वाटिका मैरिज होम में चौकीदार है वो, और आप जाके पूछ सकते अगर लगता है कि रवि चौधरी गलत बोल रहे हैं। मैं आप लोग को इसलिए सावधान कर रहा हूँ कि इसी तरीके के सब पे छापे मारे जा रहे हैं और इस तरीके के रिक्शों को सब जगह से बंद किया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने रिक्शा हटा के अपना पैसा व्यर्थ ना दें किसी को भी, और कोई भी किसी तरीके का आप चालान ना कटवाएं, और जो नहीं मान रहा उसे चीज़ भी कर रहे हैं लोग। परिवहन विभाग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ऐसा सुनने को मुझे मिला था। मैंने तब ये कहा था कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ बता दें आप मुझे, जब चालान कर रहे तो उस समय की बात है, मैंने ये कहा था इन साहब ये लोग चोरी तो नहीं कर रहे, मेहनत कर खा रहे थे, इस चीज़ के लिए भी कोई रूल निकाल दिया आप लोगों ने, लेकिन जो साले चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उनके लिए तो कभी नहीं कोई साला हाथ में आता, ना कोई पकड़ा जाता आराम जाता। लेकिन आप एक चीज़ देख लें कि इस चीज़ के लिए मना कर दिया गया। मैं आप लोग को इसके लिए जागरूक कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, जिस जिस भाई तक ये वीडियो पहुँचे, वो भाई जो सुन रहा हो इस वीडियो को, मैं हाथ जोड़े गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका पैसा बचे, आपके कोई चालान ना कटे। जब 1200 रुपये का चालान मात्र एक रिक्शे में कुर्सी रखे होने की वजह से कर देते हैं, तो मीन्स क्या है कि आप इस तरीके का रिक्शा यूज़ ना करें। आगे आपका नंबर कभी भी कोई भी ले सकता है, कोई भी अधिकारी, और ये चैनल सिर्फ मैंने लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया है, लोगों का भला करने के लिए बनाया है। मैं कभी नहीं चाहता कि कभी कोई मेरे इस तरीके के प्रयास से कोई किसी को अहित पहुँचे, किसी को कोई दुख हो।